जी डॉक्टर पूनम गुंदल साहबा को मैं मधु करती हूँ कि वो तशरीफ लाएं डाइस पे, प्लीज हाजिर तशकीर करें। अस्सलामु अलैकुम मेरे बहुत ही प्यारो, अपनी दूसरी किताब लेके आई हूँ आप सबके सामने, और इतना प्यार इतनी मोहब्बत मैं सोच भी नहीं सकती थी जितना आप लोगों से मिला। और आप सबसे मैंने जब अपनी नज़में सुनी अपनी शायरी सुनी तो मुझे तो मैं किसी और ही दुनिया में थी, मुझे नहीं लग रहा कि ये लफ्ज़ मेरे हैं। वो यानी कि जब आपने उसको पढ़ा है तो उसका हुस्न कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है, और बहुत अच्छा लगा और इंतहाई काबिल मोहतरम काबिल एहतराम सर करामत बुखारी की बातें बहुत अच्छी हैं कि जब आप किसी आते हैं किसी शायर की या किसी लिखारी की या किसी राइटर की तकरीब में आते हैं तो उसको आप फोकस करें और अपने जो हैं अपनी पर्सनल बातों को अवॉइड करें। बड़ी उन्होंने अच्छी बातें की हैं और हमारे लिए मिसाल रहा है, हम उनको फॉलो करते हैं और उनकी सारी बातों को, और आप सबका बहुत शुक्रिया आने का। एक छोटा सा है किता है बेमानी, जब तुमने हमें समझा ही नहीं, जब तुमने हमें समझा ही नहीं, जब ज़ोर वफ़ा चलना ही नहीं, जब तुमने हमें समझा ही नहीं, जब ज़ोर वफ़ा चलना ही नहीं, फिर घर को चलते हैं साहब ये प्यार वफ़ा सब क्या मानी। थैंक यू सो मच। एक मेरी नज़म है, हम भी हैं असीर इश्क, ताश के पत्तों की बाजी में दफन, जोकर बादशाह और प्यादे के किस्से सुनाने वाले। ताश के पत्तों की बाजी में दफन, जोकर बादशाह मलका और प्यादे के किस्से सुनाने वाले। शतरंज की बाजी पे इसलिए खफा हैं, शतरंज की बाजी पे इसलिए खफा हैं कि शतरंज की बाजी मलका के हाथ में है, मलका पांसा पलट देती है। अपने आप से नाला दुनिया को जूतों की नोक पे रखने वाले, तंज और नफ़रत को गोद में परवान चढ़ाने वाले, मोहब्बत के शेरों और मोहब्बत की शायरा को ठींगा दिखाने वाले भूल बैठे हैं। मोहब्बत के शेरों और मोहब्बत की शायरा को ठींगा दिखाने वाले भूल बैठे हैं कि उनके सीने में भी धड़कता दिल है, जो हर सांस और हर धड़कन पे कहता है, जो हर सांस और हर धड़कन पे कहता है, हम भी हैं असीर इश्क हैं गुलाम इश्क के, हम भी हैं असीर इश्क हैं गुलाम इश्क के। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।